आज मैं खेलने वाला माइनक्राफ्ट के एक पॉपुलर क्लोन गेम जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन एक्स। ये रही वो गेम, इसके लिटरली 1,00,000+ डाउनलोड्स हैं। आई थिंक रिसेंटली रिलीज हुई है, थोड़े महीनों पहले ही, क्योंकि इसके रिव्यूज देख रहा हूँ तो लेटेस्ट ही हैं। तो इसको करते इंस्टॉल। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो मस्त लग रही है, क्राफ्ट्समैन लोडिंग मस्त है भाई, एकदम माइनक्राफ्ट जैसी। तो ये रहा इसका बैकग्राउंड, जो कि पता नहीं ऐसा क्यों है। प्ले योर वे, ओके समझ गया भाई, इतना कुछ नहीं चाहिए। ओके तो ये रही गेम। तो यहाँ पे तो सब सिंपल है, ऊपर क्राफ्ट्समैन का लोगो, नीचे प्ले सेटिंग्स, ये और सेटिंग्स में देखें तो क्या क्या है भाई। ओके तो मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पे मार्केट प्लेस भी आई थिंक। हाँ ये रही, हो भाई साहब क्या बात है, तो यहाँ पे हम चीजें खरीद सकते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे दिखा रहा है 10,000 रिजल्ट्स आए, लेकिन कुछ भी नहीं नीचे, मे बी कोई ग्लिच होगा, मैंने साइन इन नहीं किया ना शायद, इसलिए। इसको छोड़ते हैं, बाकी चीजें देखते हैं। बाकी सेटिंग्स में तो ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ देख सकते हो नॉर्मल ही है। तो मेरा नाम ऐसा क्यों है भाई, बीस्टी पाई रखो, और इसी नाम की खुशी में एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो ये सब इस गेम की नॉर्मल सेटिंग्स आ गई, और ये हमारी माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन ओरिजिनल। ओरिजिनल है भाई, मेरे पास अंधा पैसा है, नहीं भाई अंधा पैसा नहीं है। तो ये रहा मैं फिर से बेंटनी बनाऊ में हर बार की तरह। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका इंटरफेस अलग है बिल्कुल। यहाँ पे प्लेस सेटिंग्स, वहाँ पे भी थी ये तो, पर यहाँ पे मार्केट प्लेस, आई थिंक मार्केट प्लेस वहाँ भी है, क्योंकि अगर दिखा रहे हैं तो। मैंने लॉग इन नहीं किया मैं, इसलिए पता नहीं। और ये ड्रेसिंग रूम आ गया हमारा, ये तो वहाँ भी है। स्टीव नहीं भाई, मैं बेंटन। अरे ये क्या बनाया भाई मैंने, पता नहीं क्या है। बाकी अंदर से हमारे वर्ल्ड है, फ्रेंड्स है, सर्वर है, यहाँ देख सकते हो। अब बाकी चीज देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हम स्टीव ले सकते हैं। ओके तो ले लिया। यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, जो कि हमने करना नहीं, तो सीधा करते हैं प्ले। यहाँ पे भी सर्वर्स हैं, 10 सर्वर्स हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कुछ अलग से सर्वर्स और फीचर सर्वर्स भी हैं, इनके आई थिंक कस्टम सर्वर्स होंगे, मे बी प्रमोशन टाइप। और हम करते हैं वर्ल्ड को क्रिएट, यहाँ पे करते हैं वर्ल्ड को क्रिएटिव। बाकी एडवांसमेंट, मल्टीप्लेयर, ये सब तो भाई बिल्कुल माइनक्राफ्ट का है, बिल्कुल देख सकते हो। करते हैं यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे मांग रहे हमसे कंट्रोल्स, जो कि सारे हैं, तो मैं तो ये वाले लूंगा क्योंकि मैं हूँ पीसी में। तो ये रही अपनी गेम भाई, बिल्कुल माइनक्राफ्ट लग रही है, बस इसके जो यूआई है येलो है। चलो इतना तो चलता है भाई इन सब में। बाकी मैं कौन सी बायो में, भाई ये वैसे थोड़े से वाइब्रेंट है, मतलब टेक्सचर्स है माइनक्राफ्ट के, लेकिन अलग है थोड़े से। यहाँ देख सकते हो बहुत चमकीला है भाई, ये वाइब्रेंट टेक्सचर्स है इसके। ये रही विलेज, ओ भाई ये वाले टेक्सचर्स सही लग रहे हैं, आई थिंक वो बायो में ऐसी थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट थे यार वो वाले। वैसे इस गेम में एड्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अब देखिए टेक्सचर्स को देखे अगर क्रॉप्स के भी, तो ये भी सेम है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये हमारे विलेजर्स, जो कि हर बार की तरह हम भी एक काम करेंगे यहाँ पे, ये ले। यार पता नहीं ऐसी हरकतें कब बंद करूंगा मैं। तू क्या, अरे तू क्या देख रहा है भाई वहाँ पे, क्रॉप्स कुक तो देख रहा है। अरे सही में किस चीज को देख रहा है भाई, ये ले। अब देखते रहे, अरे भाई छोड़ो इन सबको, अब देखते बाकी चीजें। बाकी विलेज तो सेम ही है भाई, देख सकते हो आप। अब देखते हैं इन्वेंटरी को, तो इन्वेंटरी भी भाई क्या बात है, बिल्कुल सेम है। देखो टेक्सचर्स बिल्कुल सेम है, स्मूथनेस भी सेम है इन टेक्सचर्स की, कोई चेंज नहीं है। बाकी देख सकते हो सब कुछ सेम है इनके टेक्सचर्स में, सॉल्ट तक अलग नहीं है, तो मतलब बहुत ही खतरनाक कॉपी भाई ये, मतलब पूरी इन्वेंटरी सेम है। अब बनाते हैं पोर्टल नेदर में जाने के लिए, चलो। तो ये रहा इस गेम का नेदर, क्या बात है भाई, बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे ये, खतरनाक क्या कॉपी है, तो ऐसा ही होगा भाई साहब। एड भी ढंग की नहीं है, और पता नहीं कहाँ पे एड, ये साइड में। हेलो पहचान कौन, हेलो गास कैसे हो, ये लो स्पॉट लो मेरी। ओके तो ये आगे सोल सैंड वैली, और इसके उस तरफ है आई थिंक बाशन बायोम। हाँ यहाँ देख सकते हो क्या बात है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम चलते हैं वापस। तो भाई इस गेम में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड लिटरली विलेज के नीचे है, आई थिंक ये माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का फीचर होगा कि विलेज के नीचे ही होगा ये स्ट्रॉन्ग होल्ड, पता नहीं भाई। बाकी मुझे जावा में तो ऐसा बहुत कम होता है। ये हमारा एंड पोर्टल, इसको करते एक्टिवेट। स्ट्रॉन्ग होल्ड मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि भाई सेम ही होगा, पूरी माइनक्राफ्ट सेम है, तो वैसे कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए मुझे तो, क्योंकि सेम है सब है। ये हमारा एंड, क्या बात है, सबसे पहले मुझे कुछ पुराने बदले लेने अपने, ये ले भाई। अरे तू रह गया, तू आ जा, ये ले। हाँ चलो अब जलते रहे थोड़ी देर के लिए। तो ये रहा हमारा एंड पूरा का पूरा, और ये रहा हमारा एंडर ड्रैगन आधा अधूरा। चलो ये भी सही है, सब कुछ सेम है। अब चलते हैं एंड सिटी। तो ये आ चुका मैं एंड सिटी में। एक तो इसका एंड सिटी पता नहीं क्यों कहते हैं, लिटरली एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, कम से कम 3-4 तो दो यार। वैसे बहुत, अरे भाई साहब बहुत बड़ी है ये, वैसे लिटरली भाई बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी मैंने आज तक देखी नहीं है, या तो इस गेम में ऐसा या फिर पता नहीं भाई, मुझे बहुत सही लग रही है, लेकिन बहुत बड़ी है ये भाई एंड सिटी। मजा आ गया, शिप हो रही, क्या बात है, शिप में जाएंगे बार बार, ऐसे बोर हो जाते हैं। तो ये थी गेम जो कि बहुत मस्त थी भाई। और इस स्टीव के हाथों को क्या हो गया भाई, धूप में ज्यादा चल दिया क्या? आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, रेटिंग जरूर देना। तो मैं इसको दूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स, क्योंकि बहुत मस्त थी, और ये एंड सिटी बहुत बढ़िया लिटरली भाई, मजा आ गया इसको देख के। बाकी मैंने आधा पॉइंट इसलिए काटा क्योंकि बहुत सारी एड्स है भाई आज के लिए, आई थिंक इतना काफी है। मिलते गुलड़े में, तब तक के लिए बाय बाय।